प्रलय से पृथ्वी उभरी और एक बार फिर सतयुग का उदय हुआ और इसी वजह से कई अनमोल रत्न समुद्र में छिपे हुए थे। अब समुद्र के अंदर से इन्हें बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन आवश्यक था। समुद्र मंथन करने पर अंत में धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए। धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर समुद्र मंथन से निकले थे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। 24वें अवतार कल्कि का जन्म होना भी बाकी है। कहते हैं कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग में इस धरती पर जन्म लेंगे। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार भगवान विष्णु के मुख्य अवतार माने जाते हैं। इन्हीं 10 अवतारों को दशावतार कहा गया है।